हेलो एवरीवन वन मैं उषिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी एच यू एम कॉम इंट्रेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी डॉट कॉमर जीरो जीरो सेवन पर मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे यहां पूछ सकते हैं हमारे वीडियोज़ के फ्री पी डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं तो एम कॉम एंट्रेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स मैं देखूंगी वो है मनी एंड बैंकिंग कंपनी लॉ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा

में और इसने करना स्टार्ट किया था 27 दिसंबर 1945 से 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो इंस्टीट्यूशंस बनाई गई थी आईएमएफ और दूसरी थी आई बी आर डी आई एम एफ को द फंड के नाम से भी जाना जाता है इसका हेड क्वार्टर्स है वाशिंगटन डी सी में करेंटली इसके मेम्बर्स हैं वन एटी नाइन मेम्बर्स क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी एम डी हैं आई एम एफ उन कंट्रीज़ को लोन देती है जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है जिनकी इकनॉमिक की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बी ओ पी का अगर डिसिक्विब्रियम की सिचुएशन चल रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए आई एम एफ़ लोन्स प्रोवाइड करती है इंडिया आई एम एफ़ का वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर्स है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एम दोनों साथ में बनाए गए थे तो इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि आईएमएफ क्या करती है कि जब किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा सिचुएशन किसी कंट्री की ख़राब होती है ऐसी सिचुएशन में आईएमएफ लोन्स प्रोवाइड करती है और वर्ल्ड बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के नेक्स्ट है आईएफसी इंटरनेशनल फिनंस कॉरपोरेशन ये प्राइवेट सेक्टर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के उनके डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा प्रोवाइड करती है यानी फिनेंशियलियल हेल्प प्रोवाइड करती है इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई 1956 में इसका हेड क्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है करंट मेंबर्स है 184 मेंबर्स आईएफसी जो लोन्स प्रोवाइड करती है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स या बिजनेसिस को वो सात से बारह साल की मेचोरिटी पीरियड्स तक के लिए प्रोवाइड करती है यहाँ पर ध्यान देने दे वाली बात ये है याद रखने वाली चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प एडवाइजरी प्रोवाइड करती है वो इंस्टीट्यूशन आईएफसी है नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि आईडीए। ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है वर्ल्ड पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री वर्ल्ड की जो सबसे गरीब डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनको ये कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 सितंबर 1960 में हेड क्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में मेंबर कंट्रीज है 173 कंट्रीज और इसे वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो या तो जीरो होता है या तो बहुत कम होता है और रीपेमेंट का जो टाइम होता है वो तीस से अड़तीस साल तक का होता है तो कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है इसलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है देखिए यहाँ पे हमने तीन इंस्टीट्यूशन की बात की है आई एम और आई डी पे आई में एक अलग इंस्टीट्यूशन है और आईएफसी और आईडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत दो इंस्टीट्यूशंस आती हैं आईबीआरडी और आईडीए इन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है वर्ल्ड बैंक बनता है और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसमें पांच इंस्टीट्यूशंस टोटल आती हैं जिसमें आईबीआरडी आईडीए है इसके अलावा आईएफसी है मेगा है और ICSD है और IMF अलग से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पर अगर कभी भी हेडक्वार्टर्स की बात आती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जितनी इंस्टीट्यूशन हैं प्लस IMF इन सब का हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी में है इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आई को सिस्टर इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जाना जाता है और ब्रेटन वुड्स स के नाम से भी जाना जाता है ये कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है नेशंस के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है इसे ये रेगुलेट करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले एक अग्रीमेंट था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ यही जो ट्रेड होता था इंटरनेशनल ट्रेड होता था इसे देखती थी बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे कुछ लिमिटेशंस थी इसकी जिसकी वजह से इसे हटाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उरुग्वे राउंड में चूंकि गैट एक अग्रीमेंट था ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर जो भी डिसीजन जो गैट में लिए जाते थे वो राउंडस में लिए जाते थे उरुग्वे राउंड में गैट कोटा के डब्ल्यू बनाया गया डब्लू बना था एक जनवरी उन्नीस में मरकश अग्रीमेंट में जो कि एक सौ ने साइन किया था हेड क्वार्टर्स है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एडो और मेंबरशिप जो है इसमें इसमें एक मेंबर स्टेट्स हैं। आईएमएफ पर वर्ल्ड बैंक पर और डब्ल्यू पर इन सब पे मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तो अगर आपको डिटेल में इन वीडियोज़ को देखना है डिटेल में इनके बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी ए एजेंसी है जो कि पुअरेस्ट ऑफ़ दी पुअर कंट्रीज़ जो है उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है और उसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा आई डी सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के क्योंकि ये कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग मेंबरशिप विद आईएफसी आईएफसी में कितने मेंबर्स हैं तो एक सौ चौरासी के अंतर्गत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कमर्शियल बैंक पांच ऑप्शंस आपको दिए हैं सोल्वेंसी सेफ्टी सीक्रेसी मॉडर्नाइजेशन और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है कमर्शियल बैंक्स का तो हम कमर्शियल बैंक के कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या होता है तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और उनको लोन्स प्रोवाइड करता है तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर ये काम करता है सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी तो किसी भी बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना तो कमर्शियल बैंक्स भी प्रॉफिट अर्न करने के बेसिस से काम करती हैं दूसरा है सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी का मतलब है कि कुछ लिक्विडिटी मेंटेन रखनी होती है इतना फिनेंस अपने पास मेंटेन्ड रखना होता है कमर्शियल बैंक्स को कि जो उनके ऑपरेशन हैं जो उनका वर्क है वो उसे स्मूदली कर सकें नेक्स्ट है सेफ्टी बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है बैंक्स में यानी लोग अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं मनी को सेफ रखते हैं बैंक्स के अंदर तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि जो मनी है जो पैसा उनके पास है पब्लिक का वो सेफ रहे नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स सेविंग्स को बढ़ावा देते हैं कमर्शियल बैंक्स लोगों के पास जो आइडल मनी है जो एक्स्ट्रा पैसा है जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो उसे बैंक्स में रखते हैं और लोगों की जो सेविंग्स होती है उसे भी कलेक्ट करता है कमर्शियल बैंक नेक्स्ट है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ जब भी किसी को लोन की ज़रूरत है चाहे वो इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो वो बैंक से लोन्स ले सकते हैं जिन पॉलिसीज में अच्छे रिटर्न होते हैं वहाँ पे कमर्शियल बैंक पैसों को इन्वेस्ट करती है नेक्स्ट इकोनॉमी कोई भी एक्सेसिव एक्सपेंडिचर से बैंक्स को बचने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज़ कई तरीके की सर्विसेज हैं जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं जैसे कि लोन्स आपको देते हैं इसके अलावा कस्टोडियन सर्विसेज देते हैं आप अपनी जो भी वैल्यूबल आइटम्स हैं वो भी आप बैंक्स के अंदर रख सकते हैं नेक्स्ट है सीक्रेसी बहुत सारा डेटा पर्सनल डेटा काफ़ी चीज़ें बैंक्स के पास होती हैं तो बैंक का ये काम बनता है कि वो उसे सीक्रेट रखें नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है मॉडर्न टाइम आ रहा है वैसे वैसे बैंक्स को मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन बैंक्स में आप देखेंगे कि अलग अलग जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं यानी कि जिस फील्ड में जो स्पेशलाइज होता है उनको वो पोजीशन दी जाती है नेक्स्ट है रिलेशन पब्लिक से कॉर्डियल रिलेशन बनाना ये कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है चाहे उनके वो प्रेजेंट कस्टमर्स हों या फिर आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये प्रॉपर एक अच्छा रिलेशन कमर्शियल बैंक बना के रखे तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं कमर्शियल बैंक के वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स हैं कमर्शियल बैंक के तो सॉल्वेंसी प्रिंसिपल है सेफ्टी है सीक्रेसी है मॉडर्नाइजेशन भी है लेकिन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल नहीं है कमर्शियल बैंक का देखिए कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ रिस्क ज़रूर होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द रेगुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स यानी आर आर बीस इनको कौन रेगुलेट करता है ऑप्शन हैं आपके स्पॉन्सर बैंक नबार्ड आर बी आई सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बारे में भी हम देख लेते हैं सबसे पहला है नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नबार्ड है इसका काम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करना और साथ साथ रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना नबार्ड बनाया गया था बारह जुलाई उन्नीस में इसके चेयरमैन हैं गोविंदा राजुलू चिंताला नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था बी सीवार कमेटी के रेकमेंडेशन पे देखिए ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछती हैं पहला कि नबार्ड कब बनाया गया था इसकी फॉर्मेशन किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ विलेज इंडस्ट्रीज़ और अदर रूरल इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनका भी जो देखरेख होता है जो डेवलपमेंट का काम होता है ये नबार्ड देखता है नेक्स्ट है नबार्ड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रूरल सेक्टर्स को फिनेंस प्रोवाइड करती हैं उनको रीफिनेंस करने का जो काम है ये नबार्ड करता है नबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है नबार्ड सुपरवाइज करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक्स को और इन सब का जो इंस्पेक्शन है बैंक्स का वो कंडक्ट करता है नबार्ड नेक्स्ट है आपका आर बी क्या है इंडिया का सेंट्रल बैंक है हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि सारे बैंक्स जो होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का उसको रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक आर है इसके अलावा जो इंडियन रुपी है इसका इशू और सप्लाई का जो कार्य होता है वो आर के पास होता है आर एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है आर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था एक अप्रैल उन्नीस में और आर एक्ट है नाइनटीन नेशनलाइजेशन जो हुआ था आरबीआई का ये हुआ है एक जनवरी 1949 में पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सी डी देशमुख प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्री में जो है इसे ये रेगुलेट करती है इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है आरबीआई और साथ ही साथ जो भी बैंक्स और नॉन बैंकिंग फिनैंस कंपनीज हैं इनको सुपरविजन और कंट्रोल करने का काम भी आर भी के पास है वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो हमारा क्वेश्चन था कि रीजनल रूरल बैंक्स को आरआरबीस को इसको कौन रेगुलेट करता है तो हमारा आंसर होगा नबार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड मनी गुड मनी की एक अच्छी मुद्रा की कौन कौन सी क्वालिटीज इनमें से नहीं है क्वालिटी ऑफ गुड मनी गुड मनी की कुछ क्वालिटीज देख लेते हैं सबसे पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी गुड मनी या करें अच्छी जो मुद्रा है वो वही होगी जो जनरली एक्सेप्टेबल हो यानी कि सबके द्वारा ये एक्सेप्टेबल हो कोई भी जो मनी है उसको प्रॉपरली यूज कर सके बिना हेजिटेशन के और हर कोई उसे एक्सेप्ट कर रहा हो नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी मनी इस तरीके की होनी चाहिए जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके जिसे ट्रांसफर किया जा सके नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी करेंसी इस तरीके की होनी चाहिए जो लंबे समय तक जिसे रखा जा सके यानी किसी ऐसे मटीरियल से बना होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में जिसे हम यूज कर सकें जो समय के साथ अपनी वैल्यू न खोए नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी जो करेंसी है ये डिविजिबल होनी चाहिए अगर इसे स्मॉल यूनिट्स में हम डिवाइड कर सकें ऐसी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम काउ को एज अ करेंसी यूज करें तो इससे जरूरत पड़ने पर इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए ये डिविजिबल होना चाहिए जो करेंसी है वो नेक्स्ट है कॉगनीजिबिलिटी यानी कि जो भी मनी है वो रिकॉग्निजिबल होनी चाहिए सबके लिए वो एक जैसी होनी चाहिए सब उसे पहचानते हो यानी कि वो रिकॉग्निजिबल होनी चाहिए सभी लोग जो करेंसी है उसके बारे में जानते हो फॉर एग्जाम्पल दस रुपये का नोट है या सौ रुपये का नोट है किस तरीके का दिखता है ये कहीं भी देख हम बता सकते हैं नेक्स्ट है स्टेबिलिटी स्टेबल होना चाहिए जो भी गुड मनी होती है वो स्टेबल होती है यानी कि लंबे समय तक जो एक जैसी रहे जिसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत न पड़े और अगर हम बार बार जैसे कि अगर चेंज करते हैं तो जिस काम के लिए करेंसी यूज़ की जा रही है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा सकेगा इसलिए स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग टर्म में चलने वाला होना चाहिए नेक्स्ट है होमोजीनियस होना चाहिए यानी कि आइडेंटिकल होना चाहिए एक जैसा अगर हम सौ के नोट को देखें तो सौ का नोट सारे सौ के नोट एक जैसे हैं दो सौ के नोट एक जैसे हैं अगर इसी एक सौ के नोट को कोई पचास का नोट समझे दो सौ के नोट को कोई सौ का नोट समझे तो यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिकल नहीं है चीज़ें किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है तो लोग दो करेंसी के बीच में डिस्टिंग्विश प्रॉपर नहीं कर पाएंगे इसलिए होमोजीनियस होना चाहिए हर सौ का नोट एक जैसा ही होना चाहिए तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड मनी की तो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा गुड मनी की क्वालिटी नहीं है तो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ड्यूरेबिलिटी है नॉन कॉग्नजिबिलिटी नहीं है और पोर्टेबिलिटी है यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है हमने पढ़ा है कि क्वालिटी जो है गुड मनी की वो है कि वो कॉग्निजिबल होना चाहिए यानी रिकोगनाइज़ करने योग्य होना चाहिए नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे पहले कब अडॉप्ट अडॉप्ट किया गया था तो ये अडॉप्ट किया गया था इंग्लैंड में ईयर एटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं जो कि आर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं ताकि जो भी मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल किया जा सके तो यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स दिए हुए हैं और इसमें से बताना है ऑड वन आउट कौन सा है चार ऑप्शन है आपके बैंक रेट एस मॉरल सोएशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन इनके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं एक क्वान्टिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि मैंने कहा कि क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का आर यूज़ करती है जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने के लिए तो दो तरीके से कंट्रोल करती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहला है क्वांटिटेटिव इसमें पहला है बैंक रेट बैंक रेट वो रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई लोन्स प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स को अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन्स की ज़रूरत है तो वो आर से लोन ले सकते हैं और जिस रेट पर आर लोन्स प्रोवाइड करती है इसे बैंक रेट कहा जाता है दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है उनकी परचेजिंग और सेलिंग की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा नेक्स्ट है रेपो रेट रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे आर बी आई शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है किसे प्रोवाइड करेगी तो कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करती है सिक्योरिटीज़ के बदले में यानी कि यहाँ पर रेपो रेट में क्या होगा कि जो सेंट्रल बैंक होगा ये कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज परचेज करेगा और उसके बदले में उनको पैसे देगा नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इसी का जस्ट उल्टा है यहाँ पर क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी है या आप कह सकते हैं अगर आर को नीड है मनी की तो ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक से वो पैसे ले सकता है यहाँ सिक्योरिटीज को सेल करेगा आर और बदले में उसे क्या मिलेगा पैसे मिलेंगे तो जिस रेट पर वो ये करता है जिस रेट पे वो सिक्योरिटी सेल करता है यानी कि कमर्शियल बैंक्स अपने पैसे रखते हैं आरबीआई के पास इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं नेक्स्ट आपका कैश रिज़र्व रेशियो कैश रिज़र्व रेशियो वो रेशियो होता है बैंक्स की जो टोटल डिपॉजिट्स होती हैं उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो कि कमर्शियल बैंक्स को आर के पास रखना होता है सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है इसे कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है नेक्स्ट है आपका एस एल आर लिक्विड रेशियो स्टैचुट्री लिक्विड रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स को भी अपने पास कुछ फिक्स परसेंटेज रखना होता है अपने एसेट्स का कैश गोल्ड या सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में तो इसे जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स अपने पास पैसे रखते हैं इसे हम एस कहते हैं अगर मनी सप्लाई को करना है तो को है।, को करना है तो SLR और और को घटा दिया जाता अगर मनी सप्लाई को तो एस एल आर और सी आर आर को बढ़ा दिया जाता है नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जिसमें सबसे पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि ये डिफरेंस है जो भी करेंट वैल्यू सिक्योरिटी की रखी जा रही है उसके और जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसके बीच का ये डिफरेंस होता है मान लीजिए किसी ने अपने सौ रुपए की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया और उसे अस्सी रुपये लोन मिला तो बीस रुपये जो है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कहेंगे यानी कि जितने की सिक्योरिटी है और जितना लोन दिया गया इसके बीच के डिफरेंस को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं नेक्स्ट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक कोटाज बना देती है कि किसको कितने तक का लोन दिया जा सकता है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ये कोटा सेट कर देती है ताकि जो गलत यूसेज है पैसे का वो ना हो नेक्स्ट है मॉरल सुशन मॉरल सुशन का मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करती है जो भी बैंक होती हैं उनको ये परसुवेट करती है या उन्हें प्रेशराइज करती है कि जो भी डरेक्टिव्स दिए हैं उन्होंने उसे वो फॉलो करें तो ये सारे क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स हैं वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे ऑड वन आउट आपसे पूछा है क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स में तो बैंक रेट स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस ये तीनों क्या है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं जबकि मॉरल क्या है ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है अब हम कुछ रेट्स जान लेते हैं करंट में बैंक रेट है 4.25 परसेंट रेपो रेट है आपका 4 परसेंट रिवर्स रेपो रेट है 3.35 परसेंट सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो थ्री परसेंट है और एस एल आर स्टैचूटरी लिक्विड रेशियो ये अट्ठारह परसेंट है जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो करंट में जो भी रेट्स हैं इसे आप देख के जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रेट एट विच आर बी आई लेंस टू कमर्शियल बैंक इज टर्म डैस आर बी आई अगर कमर्शियल बैंकस को लोन्स प्रोवाइड कर रही है तो वो किस जो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे वो प्रोवाइड करती है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर टी जी एस स्टैंड फॉर तो आर टी जी एस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये आर टी जी एस का फुल फॉर्म है अब हम आर टी जी एस के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं तो आर टी जी एस का फुल फॉर्म जैसा कि हमने कहा कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है ये क्या होता है ये एक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं रियल टाइम या ग्रॉस बेसिस पर एक बैंक से दूसरे बैंक को यहाँ रियल टाइम या ग्रॉस बेसिस का मतलब है कि यहाँ कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है पेमेंट ट्रांजैक्शन का जैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है तुरंत जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं यानी कि यहाँ पर बंडलिंग या नेटिंग नहीं होती फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक जब 24 घंटे पे 25 ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे वो क्या करेगा मनी को ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ क्या है कि कई लोगों का यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है इकट्ठा होता जाता है और उसके बाद एक बार में उसको रिलीज़ किया जाता है लेकिन आर में ऐसा नहीं होता आर टी जैसे ही कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन आता है प्रोसेस होता है तुरंत जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो आर सिस्टम है ये जनरली जो कंट्री के सेंट्रल बैंक होता है वही इसे देखता है जो आर की मिनिमम वैल्यू है ट्रांजेक्शन की वो है दो लाख रुपये इसी से रिलेटेड एक टर्म है एन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र जो नवंबर 2005 में आया था ये आर से इस तरीके से अलग है कि जैसा कि हमने कहा आर में रियल टाइम में जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन एन में ऐसा नहीं होता है एन में आवरली बैचेस बनाए जाते हैं तेईस सेटलमेंट्स के जब ये तेईस सेटलमेंट्स पूरे हो जाएंगे तब फिर नेक्स्ट बैच वापस से बनाया जाता है यानी कि यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को एक बार में प्रोसेस करके पूरा नहीं किया जाता है बल्कि जब इकट्ठा हो जाता है कई लोगों का काम कई लोगों का जो ट्रांजैक्शंस हैं जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तब एक बार में आगे सेटलमेंट किया जाता है तो ये आरटीजीएस से इस तरीके से अलग है आरटीजीएस में एक बार अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी का है उसको तुरंत इनिशिएट करके फंड ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक है आर इनमें से कौन सा इसका फंक्शन नहीं है तो पहला है रेगुलेटर ऑफ करेंसी बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट रिसीवर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट एक एक करके हम फंक्शंस देख लेते हैं सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू जो भी करेंसीज इशू की जाती हैं उसका मोनोपोली है सेंट्रल बैंक के पास कि सारी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करती है और उस पर जो साइन होता है वो होता है गवर्नर का और इस समय प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास इसके अलावा एक रुपये का जो नोट होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इशू करती है और इस पर फिनेस सेक्रेटरी का साइन होता है प्रेजेंट पे फिनेस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे नेक्स्ट है बैंकर एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करना एडवाइस प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उसका एजेंट का भी काम करता है कहीं से पैसा कलेक्ट करना है ऐसे काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो वो सेंट्रल बैंक करता है नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल जित ने भी बैंक्स से उनको सुपरवाइज़ करता है सेंट्रल बैंक और साथ ही साथ उन्हें जब भी लोन की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट अगर कमर्शियल बैंक्स को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रही है तो वो सेंट्रल बैंक से हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फ़ॉरन एक्सचेंजेस फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए फॉरेन एक्सचेंजेस की ज़रूरत होती है और इनकी जो कस्टडी होती है कि फॉरेन एक्सचेंज किस किस पास सेफली रखे जाते हैं तो सेंट्रल बैंक के पास नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने का काम भी सेंट्रल बैंक करती है कंट्रोल करने के कई सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा तो ये फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के वापस से हम क्वेश्चन पे आते हैं हमसे पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक तो ऑप्शन देखते हैं रेगुलेटर ऑफ करेंसी है बैंकर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है रिसीवर ऑफ पब्लिक डिपॉजिट नहीं है पब्लिक डिपॉजिट रिसीव करता है कमर्शियल बैंक ना कि सेंट्रल बैंक यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं कि जैसा कि हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक हमारा आर है आर बी और एस ये तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हेड क्वार्टर्स मुंबई में हैं तो आज की इस वीडियो में हमने बी एच यू के इंट्रेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थैंक यू